बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल से बाहर हैं और उन्होंने इच्छा भी जता दी है कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और ये कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में मुलाकात की और उसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए ये इरादा जाहिर किया कि अनंत तो मुकामा से फिर विधायक बन जाएगा। लेकिन क्या आरजेडी वहां पर सियासी तौर पर अनंत को चीट करना चाहती है, उसे सबक सिखाना चाहती है? इसलिए कि अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, वो पिछला चुनाव आरजेडी के टिकट पर ही लड़ी थी और जीत भी गई थी, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान अनंत की पत्नी जेडीयू में चली गई। लेकिन अब अनंत सिंह के जो सबसे करीबी और भरोसेमंद नेता थे, नाम बंटू सिंह है, उनको आरजेडी ने अपने खेमे में ले लिया है। तेजस्वी यादव के आवास में गए, तेजस्वी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, रणनीति और राजनीति के मामलों को लेकर के दोनों नेताओं के दरमियान बड़ी बातचीत हुई। तो ऐसे हालात में गुरु के सामने चेला को खड़ा करके सियासी मात देने की पूरी कोशिश आरजेडी कर सकती है और दोनों एक ही जात के हैं, इसलिए ये ज्यादा संभावना बन रही है कि आरजेडी वहां पर बंटू को अनंत सिंह के मुकाबले में चुनावी मैदान में उतार सकती है। आरजेडी अब जो चुनाव में टिकट बांटेगी वो इलाका, बाहुबल, राजनीति, प्रभाव और वोट प्रतिशत को देख करके उम्मीदवार को उतारेगी। इसलिए कि 2020 में जो चूक हुई आरजेडी से, आरजेडी ये चाहती नहीं है कि ऐसी चूक हो जाए कि फिर से मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है तेजस्वी का, वो सपना सपना ना रह जाए। इसलिए उससे पहले तैयारियां तरीके और सलीके से की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अनंत के मुकाबले, अनंत के जो सियासी चेले कहे जाते हैं बंटू सिंह, उन्हें चुनावी मैदान में मुकामा से उतारा जा सकता है। जनविश्वास यात्रा के दौरान हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि जब यात्रा खत्म हो रही थी और जब उस इलाके से, अनंत सिंह के इलाके से यात्रा तेजस्वी की गुजरी फतुहा की तरफ, तो उस वक्त देखा था कि बड़ी संख्या में जो भूमिहार जाति के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो रात के अंधेरे में सड़कों पर तेजस्वी के स्वागत के लिए, और उनके मौजूदा समय में कार्तिकीय मास्टर एमएलसी भी हैं। तो ऐसे हालात में आरजेडी चाहती है कि अनंत को शिकस्त दिया जाए, अनंत को चुनाव हराया जाए। तो हराने के लिए कोई ना कोई तो मजबूत लीडर चाहिए, कोई ना कोई ऐसा आदमी तो हो जो अनंत की सियासी कमजोरी को भांपता हो, समझता हो। तो ऐसे हालात में सबसे परफेक्ट लीडर अगर कोई हो सकता है तो वो बंटू सिंह है, जो अपने आप को अनंत का हनुमान कहते हैं। लेकिन राजनीति में हनुमान भी कभी कभी पटखनी दे देता है, इसलिए आरजेडी इस कोशिश में लगी है, इस शराब में है कि अनंत सिंह के मुकाबले में बंटू को चुनावी मैदान में आरजेडी से उतारा जाए, ताकि ये जो सारा किला है उनका वो ध्वस्त कर दिया जाए। इसलिए तेजस्वी यादव से बंटू की मुलाकात हुई है और बंटू सिंह जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार अनंत के मुकाबले में मुकामा विधानसभा से 2025 में हो सकते हैं।